धन्यवाद गोकुल जी। आज बांसुर में पधारे परम आदरणीय मुख्य महाप्रबंधक साहब राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड, ये हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि सर अपने व्यस्तम समय से हमारे निवेदन पे यहाँ पधारे और हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं। इनके साथ हमारे आरएम साहब जो निरंतर डेवलपमेंट जब से यहाँ पे आए हैं कुछ ना कुछ नवाचार करने की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कैसे हम विकास कर सकते हैं, कैसे बैंक जो स्पेसिफिकली गाँव के लिए बना है उसमें गाँव की जो हमारी बहनें हैं स्वयं सहायता समूह की या बच्चे हैं उनको कैसे अधिक से अधिक ऋण दिया जा सकता है। और साथ ही साथ मेरे साथी यहाँ के LDM साहब जो निरंतर आपके समक्ष हम लोग आते रहते हैं मीटिंग्स में, आपका रिव्यू करते हैं, प्रोजेक्ट्स को देखते हैं और आपको नए नए सजेशंस देते हैं। पूरे बांसू से विभिन्न गांवों से पधारे हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें, हमारे बैंकर साथी BRKG बैंक के और सभी नए हमारे स्किल ट्रेनिंग्स नए बच्चे, आप सभी का स्वागत है। तो मैं तो निरंतर आपको शायद महीने में 2-3 बार आता हूं और आपसे आप सभी जानते भी हैं, लेकिन मैं सर हमारे CGM साहब को कुछ कुछ बताना चाहूँगा बांसुर क्षेत्र के बारे में। सर सर सबसे पहले तो ये जो बांसुर क्षेत्र है ये एक एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग एरिया है। एग्रीकल्चर में यहाँ के जो फार्मर्स हैं और यहाँ की जो महिलाएँ हैं वो कुछ ना कुछ नवाचार करती रहती हैं। सबसे अधिक यहाँ पर पॉली हाउस हैं, तो हाईटेक एग्रीकल्चर की अगर बात अलवर में होती है तो बांसुर क्षेत्र का नाम आता है। बांसुर क्षेत्र के जो हमारे किसान भाई हैं सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे फ्रूट्स का, फलों का, सब्जियों का उत्पादन सबसे अधिक होता है सर यहाँ पे। पानी की भी सुविधा अच्छी है और साथ ही साथ किसान बहुत जागरूक हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनों का, तो सर यहाँ पे सब बहनें हैं कोई ना कोई नवाचार कर रही हैं अपने अपने गाँव में। बहुत गाँव में मेरी विजिट हुई हैं तो जो भी हमारे स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स हुई हैं उस ट्रेनिंग का सदुपयोग करते हुए अपनी लाइवलीहुड को कैसे बढ़ा सकते हैं ये इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। बांसुर में हमने बगल के गांव में एक ट्रेनिंग कराई थी MEDP की, उसमें 30 महिलाओं को ट्रेनिंग दी थी, आज के दिन वो 90 महिलाएं काम कर रही है, एक महिलाओं से दूसरी महिलाएं सीख के सर। तो ऐसे बहुत सारे नवाचार हैं। यहाँ पे 148 गाँव हैं बांसुर ब्लॉक में सर, 148 गांव में हर गांव में मिनिस्ट्री ऑफ IT का UGS ने एक SHG महिलाओं को प्रोजेक्ट सेंक्शन कर रहा है जिसमें कंप्यूटर साक्षरता का काम होता है। सब हमारी बहनें वो काम गांव के बच्चों को सिखाती हैं। और एक बात और अच्छी रिसेंटली हुई कि BRKG बैंक ने 5 हमारी बहनों को स्वयं सहायता समूह को बैंकिंग करस्पॉन्डेंट का काम स्टार्ट किया है और वो काम कर, इसमें राधा जी भी है आप शायद बताना भूल गए, तो BC का काम भी कर रहे हैं सर ये। और जब से इनको बताया कि मैंने कि ये फेडरेशन मोड पे काम कैसे कर सकते हैं, हमने तो सिर्फ कोशिश की थी कि कुछ सजेशंस देते हैं लेकिन प्रैक्टिकली पूरा इम्प्लीमेंट करना युवा जागृति संस्थान और हमारी बहनों का योगदान है इसमें कि कैसे फेडरेट होके आप लोग मिलके काम कर सकते हैं। FPOs में जब इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरा यह पहला प्रोजेक्ट था सर अलवर डिस्ट्रिक्ट का जो फर्स्ट सेंक्शन कराया था इनका FPO में, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है रिसेंटली कैसे मीटिंग करना है, क्या क्या डिसीजंस लेने हैं, फ्यूचर प्लानिंग क्या करनी है, ट्रेनिंग कौन सी करनी है, वो काफ़ी सारे नवाचार यहाँ पे हुए हैं। अभी सर हमारा प्लान ये है कि इस क्षेत्र में क्योंकि महिलाएं काफ़ी अच्छी जानकारी के साथ काम कर रही हैं, मार्केटिंग की एक हमको समस्या हमारी बहनों को काफ़ी आ रही थी, हमारे किसान भाई भी हैं, तो मार्केटिंग में सर हिंदुस्तान का पहला ONDC का ट्रेनिंग प्रोग्राम नाबार्ड ने बांसुर में ही कराया था सर। तो उसके बाद हमारा FPO ONDC में रजिस्टर हुआ, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बने और FPO के साथ में अब दिक्कत ये आ रही है कि ONDC में सेल की डिमांड नहीं आ रही है, तो इसी के लिए प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन मींस अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाए जाएं उसके लिए ट्रेनिंग्स प्रोग्राम, जैसे अभी रेडीमेड गारमेंट्स का काम हुआ है, काउटिंग के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसमें कुशलता कैसी पाई जाए, बाजरे का काम इन्होंने यूट्यूब से सीख के काम किया सर। तो अभी हमने जो LEDP एक सेंक्शन कराया है इनके निवेदन पे, LEDP में जो एक्सपर्ट्स होंगे जैसे कि काजरी से आपको प्रतिभा मैम मिली थी या फिर बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं राजस्थान में जो बाजरे पे काम कर रहे हैं और 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, तो हमारा ये प्लान है सर कि उनको यहाँ बुला के सभी हमारी जो महिलाएँ हैं उनको ट्रेन किया जाए। और जो हमारा श्रीअन्नमार्ट का एक फ्यूचर प्लान है कि हम बाजरे के सारे प्रोडक्ट्स और नवाचार करते हुए उस चाहे उसमें पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा भी बनता है बाजरा का, पिज़्ज़ा है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आजकल के बच्चे खाते हैं, कुरकुरे हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स अगर बाजरे में मिलना स्टार्ट हो जाएं
तो सारे प्रोडक्ट्स हम श्री अन्न मार्ट के थ्रू बेचना शुरू करेंगे। चूंकि ये एरिया एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा है सर, तो हमने ये आइडेंटिफाई किया है मार्केट सर्वे में कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है बच्चों की, वो बच्चे शाम को जाके कुछ कुरकुरे खरीदते हैं, चिप्स खरीदते हैं, तो वो बच्चे वो ना करके मेन रोड से सारे बाजरे के प्रोडक्ट खरीदना स्टार्ट करें। तो ऐसा मॉडल बन जाए बांसुर में ये श्री अन्न मार्ट का कि बाकी के लोग यहाँ देखने आए कि हम कितनी अच्छी चीज़ बच्चों को खिला रहे हैं। ये आप सबको पता है कि मैदा का प्रोडक्ट्स बहुत खाने के लिए अच्छा नहीं रहता, मैं अक्सर बात करता हूँ ये बात, और जो भी थोड़ा बहुत हेल्थ कॉन्शियस होता है वो कभी मैदा के प्रोडक्ट नहीं खाना चाहेगा। तो हमारी सोच ये है कि बाजरे को हम अधिक से अधिक कैसे, क्योंकि आपने बताया 1600 की बोरी है, 2000 की बोरी होगी, लेकिन वो 2000 की बोरी के बदले इन्होंने प्रोसेसिंग करके 50,000 कमा चुकी हैं एक बोरी से। तो आप समझिए कि कितना इसमें मुनाफा है, पैसों का फायदा है और साथ ही साथ इनकम का तो फायदा है ही, और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो सर हमारी कुछ कुछ कोशिशें हैं, मैं और बताना चाहूँगा, BRKGB बैंक से आरम साहब पधारे हैं और यहाँ की पूरी टीम है, तो हमने डिस्कशन किया था कि हम ग्रामीण क्षेत्र में कैसे अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुँच सके। जो भी यहाँ पे ऐसी कंपनीज बहुत सारी काम कर रही हैं, सबसे अधिक कंपनी अलवर्स में काम कर रही हैं, जो कि बहुत अधिक ब्याज दर पे आपको पैसे देती हैं। कुछ महिलाएं शायद बयान भी करेंगी, मुझे बताया हुआ 40% तक भी लोन दे रही थी सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% में भी। तो उन महिलाओं को BRKGB ने आगे बढ़ के मदद करने का एक निश्चय लिया है, और हमारी कोशिश रहेगी कि जो जितने ग्रुप बन चुके हैं उसके अलावा बाकी जो भी महिलाएं बची हैं उसको अधिक से अधिक हमारे मैनेजर साथी इसको कवर करें, और ये पूरा एरिया ऐसा बनेगा कि सब महिलाओं को हम JLG के से जोड़ सकें। SHG तो पहले चल रहा था, लेकिन लाइवलीहुड के लिए, कुछ इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ के लिए, कमाई करने के लिए JLG के माध्यम से एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप बैंक से जुड़े, और बैंक से सर हमारे प्लान है कि हम पूरे एरिया को हम सैचुरेट करें और ऐसे बाकी ब्लॉक्स के लिए एग्जाम्पल बने। तो मेरे ख्याल से CGM साहब जहाँ पधारे हैं, आपके बिहाफ में, आपके तौर पे मैं पूरे उनको विश्वास दिला सकता हूँ कि जो गति से हमने प्लान किया है, जिस गति से हम लोग आगे चल रहे हैं, बांसुर की जो महिलाएं हैं, बांसुर के जो किसान भाई हैं और हमारे जो छात्र हैं जो नैप स्किल की ट्रेनिंग ले रहे हैं, एक ऐसा मॉडल बने कि हमको बाकी क्षेत्र में हम दिखा सकें कि महिलाएँ कितनी सक्षम बन सकती हैं, कैसे अपनी एक कंपनी चला सकती हैं और कैसे नवाचार कर सकती हैं, ताकि अपने घर में अपने जो हमारा SHG का नाबार्ड का एक सोच, जिस सोच से हमने बनाया है SHG, वो हमारा पूर्ण हो पाए। और आप सबकी योगदान की मैं अपेक्षा करता हूं, साथ ही साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मैं LDM साहब को बोलना चाहूँगा कि निरंतर सर हम लोग मिलते रहते हैं और हम लोग मीटिंग्स में जाते रहते हैं और सभी हमारे साथियों को नई नई गाइडेंस देते हैं, ताकि रूरल एरिया में जो रूरल इकोनॉमी है वो फ्लरिश हो और हमारा GLC फ्लो बढ़े और बैंक से अधिक जुड़ाव हो सके। तो इसी के साथ सर आप यहाँ पधारे सर, हमको मोटिवेट करने के लिए, हमारे काम देखने के लिए सर आपने अपना व्यस्तम समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी हमारी बहनों को, बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।